वेगा स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज अपन सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट दोस्तों। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट में सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ऐसे मैंने 20 तक स्क्वायर रूट लिखे है दोस्तों, मेरे को ये याद है, आपको भी याद रखना है दोस्तों। 20 तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में याद कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बार स्क्वायर रूट पे ही क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में बहुत जगह पे आपको इसका यूज होने वाला है दोस्तों, ठीक है। स्क्वायर रूट अपन शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे दोस्तों, पर पहले अपन देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले मैं सभी जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं उनको, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए चैनल मेरा पसंद आए तो, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों। मैंने सम लिया है 1225, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट भी निकल सकता है, डायरेक्ट निकल सकता है दोस्तों, पर मैं कैसे निकालते हैं वो दिखाने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। वन टू टू फाइव, ठीक है दोस्तों। ये ऐसी एक लाइन डालेंगे अपन, सीधा लाइन, एक ऐसा लाइन डालेंगे, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा दो बीच में, ठीक है। दो दो से होता है दोस्तों, ठीक है। 12, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट कौन से, दो दो है, 12 है दोस्तों, ठीक है। 12 है तो क्या है दोस्तों, 12 इसमें से किसका छोटा है दोस्तों, ठीक है। 12 है ना दोस्तों, इसमें से किसका छोटा है, 16 होगा क्या, नहीं होगा दोस्तों। इससे छोटा क्या है, 9 है, देखो 9 दोस्तों, देखो 9 है तो 9 का 3 का स्क्वायर 9 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा, किसका है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 ऊपर आएगा, ठीक है दोस्तों। आपको समझ रहा है, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 3 आएगा, 3 प्लस 3 9 दोस्तों, इधर भी 3 प्लस करना है, 3 3 6 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से 12 में से 9 गया तो 3 आता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी क्या करना है, नेक्स्ट अपने को ये 3 3 प्लस करना है, यही 3 ऊपर का 3 इधर आता है दोस्तों, यह प्लस करके 6 होता है, 3 3 6 होता है दोस्तों। तो अभी आगे के दो डिजिट है दोस्तों, 25 लेंगे नीचे दोस्तों, ठीक है। 25 आगे नीचे दोस्तों, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, अपन को 6 नीचे आगे दोस्तों, 6 के आगे ऐसा कौन सा डिजिट लगेगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, 325 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा कौन सा डिजिट है दोस्तों जिससे मल्टीप्लाई करने पे 3 1 लगाएंगे तो होगा क्या, 1 लगाएंगे तो 61 × 61 नहीं होगा, 62 × 62 करेंगे नहीं होगा, 63 × 63 करेंगे नहीं होगा, 64 × 64 करेंगे तो देखो क्या होता है, 4 चौक 16 होता है, 16 बोले तो 16 नहीं हो रहा है, 5 लेते हैं दोस्तों, 65 लेते हैं, 65 लेंगे तो 5 5 25 हो रहा है दोस्तों, 5 5 30 दोस्तों, ओवरली हो रहा है देखो, तो 5 लगाना पड़ेगा अपने को आगे, ठीक है। 5 लगाते हैं, 5 से इसको, 5 से इधर 5 आ जाएगा तो दोस्तों, तो ऊपर भी 5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऊपर 5 आ जाएगा तो 325 शेष अपना आ गया 0। यहाँ पे कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अपना शेष 0 आ गया है, ठीक। तो इसका आंसर अपना आ गया दोस्तों, इसका आंसर है 35 अपना आंसर है दोस्तों। क्लियर हो गया आपको कैसे निकलना है स्क्वायर रूट, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अभी डायरेक्ट कैसे निकलना है मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये दिखा देता हूँ आपको, 1225, ठीक है दोस्तों, 1225 यहाँ से ऐसे कर देंगे दोस्तों, 3 3 का कितना, 12 है, 12 से छोटा कौन सा है, 9 है, मुझे पता है 3 आएगा, 25 25 लास्ट में डिजिट देखो, 25 5 का 25 35 आंसर, देखो दोस्तों डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप बहुत अच्छे से कोई भी सम आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये दोस्तों सम है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। 4 3 5 6
43 है दोस्तों, 43 किससे छोटा है, यहाँ पे देखो 43 43 साथ ही साथ ही 49 नहीं हो रहा है दोस्तों, देखो 49 इससे बड़ा है, 47 का नहीं आएगा, 6 का क्या है स्क्वायर क्या है दोस्तों, 36 है, ठीक है 36 को उनको लेना है 6 का, तो 36 यहाँ पे आएगा, इसको डिवाइड करेंगे दो में, स्क्वायर रूट है दोस्तों, ठीक है माइनस ऊपर आएगा 6, यहाँ पे आएगा 6, 6 6 का 36 दोस्तों, ठीक है यहाँ पे 6 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा दोस्तों, ठीक यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आता है दोस्तों, 7 आता है, ठीक है तो ऊपर के दो डिजिट ऊपर से नीचे लेंगे 5 6, ठीक है दोस्तों, और 56 आ गया दोस्तों, तो अभी क्या करना है, 12 आ गया अपना, 12 के आगे ऐसा कौन सा डिजिट लगाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई करने पे ये अपना डिजिट आ जाएगा दोस्तों, तो कॉमन सेंस लगाना है दोस्तों, इसमें क्या करना है, एक लगाने से होता है क्या, नहीं होगा, दो से नहीं होगा, तीन से होगा नहीं होगा, चार से होगा नहीं होगा, पाँच से भी नहीं होगा, छः से होगा दोस्तों, क्योंकि छः पीछे साई साई 36, आप देख सकते हैं करके भी देख सकते हैं, 126 × 6 करेंगे दोस्तों तो अपना आंसर 560 आने वाला है, कि 6 6 36 आता है, लास्ट में 6 आ रहा है दोस्तों, ठीक है तो यहाँ पे 6 लगाएंगे दोस्तों, ठीक है 6 लगाएंगे तो अपना आंसर 5 7 5 6 आ जाएगा दोस्तों, तो 0 0 0 अपना यहाँ पे लगाना जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऊपर 6 आएगा, यहाँ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है 0 आ गया तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर अपना आ गया 66 दोस्तों, तो इसका सही आंसर है 66 दोस्तों, स्क्वायर इतना इजी है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अब और एक देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है कोई बच्चों लोग को समझ में आ नहीं आ रहे तो बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा मैं दोस्तों, ठीक है इसके ऊपर भी मैं कर देता हूँ, ठीक है इसका आंसर आगे लिखेंगे अपन, इसके ऊपर ही कर देते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है दोस्तों, तो इसको कैसे करना है, पीछे 2 से इसको डिवाइड करना है, आगे 2 से करना है क्या डिवाइड दोस्तों, कर सकते हैं पर डायरेक्ट करेंगे अपन 2, क्योंकि अपने पास 20 तक का स्क्वायर रूट है दोस्तों, 252 इस नंबर से कोई छोटा नंबर चाहिए अपने को दोस्तों, उसका स्क्वायर रूट चाहिए मतलब, ठीक है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 522 का स्क्वायर रूट 15 का चलेगा, 15 का 225 आ रहा है, 16 का 256 आ रहा है, 16 नहीं ले सकते दोस्तों, अपन को 15 लेना पड़ेगा, कंपलसरी 15 लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों 15 का कितना है 25, यहाँ पे मैं 15 लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है 15 का कितना है 225, ओके दोस्तों आगे आएगा 15 आएगा दोस्तों, प्लस 15 30 आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अपने को यहां से माइनस करना है, भी 252 माइनस 225 कितना होता है दोस्तों, 27 होता है दोस्तों, ऊपर का दो डिजिट नीचे आ जाएंगे, 81 नीचे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है अभी अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को अभी 30 के आगे ऐसा कौन सा डिजिट है ये अपना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों मतलब कैलकुलेट करना है अपने को, ठीक है दोस्तों इसमें 30 यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 30 मेरे को लगता है 27 है ना, तो 9 आ जाएगा, 3 9 27 होता है दोस्तों, ठीक है करके दिखाता हूँ मैं आपको कितना आ रहा है, करते है देखो 9 0 0 27 ठीक है दोस्तों, नहीं 9 लगाए नहीं अपने दोस्तों, ठीक है एक सेकेंड यहाँ पे 9 लगाएंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 309 × 9 दोस्तों 99 81 48 8 9 0 0 8 9 9 27 27 2780 अपना आंसर आ गया, यहाँ पे 9 लगाएंगे तो ऊपर भी 9 आ जाएगा दोस्तों, तो 2781 अपना आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है समझ में आया, मैंने यहाँ पे 9 नहीं लगाया था इसके लिए वो नहीं आ रहा था, मैं वही सोच रहा था 2 डिजिट ऊपर से 9 अपने को एक डिजिट आगे लेना है जिससे अपने को वही डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 9 लिया तो 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर 9 आएंगे तो
नीचे भी नहीं आएंगे, इसका प्लस हो जाएगा तो इसका कितना होगा 318 होगा। पर यहाँ पे अपना शेष जीरो आ गया तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना आंसर आ गया 159 करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों? नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ठीक है आपको क्लियर हो जाए, और छोटा सम लेते हैं जो कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है दोस्तों, 1296 इसका स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे शॉर्टकट में बताता हूँ मैं आपको। 12 से कौन सा स्क्वायर रूट है, 3 का 3 लिखता हूँ दोस्तों, 3 का 9 आ जाएगा, माइनस 3, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा दोस्तों, नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है 3 प्लस 6 हो जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा ऊपर से 96 आ जाएगा दोस्तों, नीचे दो डिजिट नीचे आ जाएंगे 6 से कौन से मल्टीप्लाई करने पे 6 के आगे कौन सा डिजिट लगने से ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। 6 के आगे 66 लगाते हैं, इंटू 6 करते हैं, साई साई 36, 43, साई साई 36, 36, 36, 39, ठीक है दोस्तों 6 लगा देंगे, 36 आ जाएगा, 396 अपना शेष आ गया, 0 अपना आंसर आ गया दोस्तों, 36 आंसर अपना है। ठीक है दोस्तों, 36 आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है बहुत इजी है। अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्लियर हो गए मुझे लगता है आप सबको समझ में आ रहा है, और एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं दोस्तों क्लियर समझ जाने के लिए। ठीक है डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है 3844 इसका स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, हाँ दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे दो में बीच में, ठीक है किया मैंने डिवाइड, इस 38 से छोटा कौन सा डिजिट है उसका स्क्वायर रूट आ रहा है अपना, साई साई 36 होता है दोस्तों, ठीक है 6 लेता हूँ मैं, मुझे पता है 36 होता है स्क्वायर रूट, मुझे पता है या 0 ले लो या मैंने, ठीक है दोस्तों यहाँ पे 6 आएगा, 6 प्लस 6 12 आ जाएगा दोस्तों, 44 आएगा। अभी इसके आगे कौन सा मैं एक नंबर लगाऊँ उससे मल्टीप्लाई करने में 224 आ जाएगा दोस्तों अपना आंसर, तो 1 लगाएंगे तो क्या होगा नहीं आएगा, 2 लगाएंगे तो कितना होगा 122 अपना आंसर हो रहा है दोस्तों, बेदुने 4 आंसर आ रहा है देखो दोस्तों, 2 लगाएंगे 122 इंटू 2 अब आंसर करके देखेंगे तो 244 आ रहा है कैलकुलेशन। ठीक है दोस्तों यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 244 अपना शेष आ गया 0 अपना आंसर आ गया 62 तो इसका आंसर हो गया 62 अपना आंसर आ गया दोस्तों। देखो कितनी जल्दी में आ रहा है, बहुत ईजी है, स्क्वायर रूट आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से और एक स्टेप लेके आऊँगा आपके लिए। आपको चैनल मेरा पसंद आया जो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए, पर जो भी कैंडिडेट नए हैं मेरे चैनल पे उसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब का भी अपडेट देता रहता हूँ। अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगले मतलब कोविड-19 के वजह से पोस्टपोन हुआ है दोस्तों, ठीक है कोविड-19 के वजह से पोस्टपोन हुआ है ग्रुप डी का, अगले साल होने वाला है लगता है, क्योंकि अभी एनटीपीसी का भी नहीं हो रहा है दोस्तों एग्जाम, एनटीपीसी का पहले एग्जाम होगा दोस्तों, उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ग्रुप डी उसके बाद में होगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जॉब का निकला था तो पहले एनटीपीसी की था, एनटीपीसी के बाद निकला था ग्रुप डी का निकला था दोस्तों, तो ग्रुप डी होगा एग्जाम पर पहले एनटीपीसी होगा, एनटीपीसी का एग्जाम फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।